Hello everyone, welcome back to BioShikam. My name is Shubhavati Singh and today we are going to continue our topic of human circulatory system. In this part, we are going to study about double circulation. Before going on double circulation, we have to know how many types of circulation are present in our body. Okay, first is systematic circulation. Systematic circulation means blood supply to all body parts except lungs. लंग्स को छोड़ के बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड सप्लाई होता है उसको हम बोलेंगे, जिस सर्कुलेशन से सप्लाई होता है उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, राइट। इसका पाथवे क्या होगा? पाथवे होगा अयोटा। अयोटा हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अयोटा सबसे लार्जेस्ट हमारी आर्टरी है, राइट, और वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा। आर्टरी हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट। उसके बाद फिर ये नेटवर्क्स के थ्रू, ये जो नेटवर्क्स देख रहे हैं आप, इसमें आर्टरी, आर्टियोल्स और ये छोटे छोटे जो कैपिलरीज आपको दिख रही हैं, इसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। ये हमारा काम क्या करेगी? कैपिलरीज टिश्यू तक पहुंचाएगी ब्लड, राइट। जब टिश्यू तक ब्लड पहुंच जाएगा तो वापस ग्रैनुल्स वेन्स और वेना कावा। वेना कावा क्या है? सबसे लार्जेस्ट वेन वेन है हमारे बॉडी का, राइट। अब वो क्या कैरी करेगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड से हमारा जो वेना कावा कहाँ पे ब्लड डिलीवर करता है? राइट आर्टेरियम में, राइट। अब व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड अदर इनिशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू। जो भी ऑक्सीजन हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए और इनिशियल जितने भी सब्सटेंस हैं, उन सबको हमारे ब्लड टिश्यूज तक पहुंचाने का काम कौन सा सर्कुलेशन करता है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और उनसे बाहर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और हार्मफुल कुछ सब्सटेंस है उसको या टॉक्सिक सब्सटेंस को जो दूर ले जाने का काम कौन करेगा? वो भी यही सर्कुलेशन करेगा, ठीक है। अब देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? पल्मोनरी मीन्स लंग्स। पल्मोनरी स्टैंड ही होता है, स्पेसिफिक वर्ड है लंग्स के लिए, राइट। जहां पे पल्मोनरी वर्ड है वहां पे लंग्स का प्रेजेंस होना कंपलसरी है, राइट। अब वो काम क्या करेगा? काम करेगा द प्यूरिफिकेशन ऑफ लंग्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स। और इसका पाथवे कौन सा फॉलो करेगा? पाथवे फॉलो करेगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमारे बॉडी में सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसके अलावा जितने भी आर्टरी प्रेजेंट है, चाहे अयोटा हो गया, चाहे जितने भी आर्टरी, आर्टियोल्स, कैपिलरीज में भी कुछ पार्ट तक, ये सब ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। बट पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ओके। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके क्या करेगी? लंग्स के पास लेके जाएगी। लंग्स में क्या करेगा? प्यूरिफिकेशन। लंग्स प्यूरिफिकेशन करवा के जो कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देगा और ऑक्सीजन वाला जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसे वापस से हमारे हार्ट में भेज देगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, राइट। अब देखते हैं, अब दो और सर्कुलेशन प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी सिस्टम में, वो कौन सा है? एक हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, दूसरा कोरोनरी सर्कुलेशन। हिपैटिक स्पेशली हिपैटिक किसके लिए यूज होता है? लीवर्स के लिए, राइट। जैसे हम पल्मोनरी बोलते हैं, पल्मोनरी किसके लिए यूज होता है? लंग्स के लिए। हिपैटिक किसके लिए यूज होगा? लीवर्स के लिए। कोरोनरी किसके लिए यूज होगा? हार्ट के लिए। इन सबका इन्वॉल्वमेंट, हार्ट, लीवर और लंग्स, इन सब में इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा किसी ना किसी फॉर्म में। किस फॉर्म में हो रहा है देखते हैं। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन ये क्या है? अ यूनिक सर्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर। जो डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच में जो कनेक्शन बनता है उसे हम हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन का नाम देते हैं, ओके। ये कौन सा पाथवे फॉलो करता है? सबसे पहले हिपैटिक पोर्टल वेन्स रहेंगे इसमें, राइट। हिपैटिक पोर्टल वेन्स से जो ब्लड हिपैटिक पोर्टल वेन्स है वो कहाँ से ब्लड कलेक्ट करेंगे? स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर से। यहाँ से ब्लड कलेक्ट किया उन लोगों ने और वापस क्या करते हैं? हमारे जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो अभी हमने पढ़ा उसमें जाके ट्रांसफर कर देते हैं, ओके। अब कोरोनरी सर्कुलेशन क्या करेंगे? कोरोनरी सर्कुलेशन सप्लाई ब्लड टू हार्ट इटसेल्फ।
हार्ट अपने आप को खुद ही ब्लड ट्रांसफर करता है, इसे हम बोलेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। एओर्टा के थ्रू वो क्या करेगा, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी यानी प्योर ब्लड का सप्लाई करेगा कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, और कोरोनरी साइनस के थ्रू वो क्या करेगा, जो राइट आर्टेरियम है वहाँ पे हम जो इम्प्योर ब्लड है उसको ड्रेन कर देगा। ओके, अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन। राइट, आप हम इसे डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो टाइप के सर्कुलेशन इन्वॉल्व होते हैं। जो अभी हमने पढ़ा चार में से, इसमें दो टाइप के इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, एक तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा, दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं। ये है हमारा बॉडी पार्ट, ये जो दिख रहा है ये बॉडी पार्ट है। अब यहाँ से वेन्स के थ्रू, वेन्स वेन्यूल्स के थ्रू हमारा वेना कावा के होते होते ये यहाँ पे ये सारा ब्लड कहाँ पे ड्रेन हो जाएगा, राइट आर्टेरियम। राइट आर्टेरियम में ड्रेन होने के बाद राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, सेमिलूनर वॉल्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रही है। मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, पर सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी है जो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, अब लंग्स में प्यूरिफिकेशन हुआ, प्यूरिफिकेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। अब कहाँ पे ब्लड ड्रेन करेगा, वो लेफ्ट आर्टेरियम में, लेफ्ट आर्टेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा आर्टरीज के होते होते हमारे पूरा ब्लड कहाँ चला जाएगा, वापस से बॉडी पार्ट्स में। इस तरीके से हमारा बॉडी पूरा सर्कुलेशन होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में पूरे तरीके से सर्कुलेशन होता है। अब ये आप देख सकते हैं जो ल्यूमन का जो ल्यूमन है, ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है आपका, वेन्स का कभी भी वाइडर होता है। क्यों, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके, अब देखिए ये जो पार्ट है, इतना ये जो इतना पार्ट है, ये जो पार्ट है इतना, ये कैरी कर रहा है हमारा ये हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसे हम ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को। और इसके अलावा ये जो पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला जिसमें लंग्स प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन को। इसलिए हम इसको क्या कौन क्या नाम देते हैं, डबल सर्कुलेशन। ओके, अब हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ लिया। डबल सर्कुलेशन के बाद अब देखते हैं कि हमारे जो कार्डिक एक्टिविटी है उसे रेगुलेट कौन करता है। रेगुलेट कौन करेगा, मेडुला ऑब्लॉन्गेट। मेडुला ऑब्लॉन्गेट कैसे रेगुलेट करेगा, उसके पास एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ये कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा हमारे हार्ट को, जिससे हार्ट का रेगुलेशन बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। कौन सा सिग्नल सेंड करता है, सबसे पहला सिंपैथिक न्यूरल सिग्नल। सिंपैथिक न्यूरल सिग्नल क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारे हार्ट रेट को, हार्ट बीट के रेट को इंक्रीज करने का काम करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, वेंट्रिकुलर कॉन्स्ट्रक्शन करवाकर, उसका नंबर इंक्रीज करवाकर। और पैरासिंपैथिक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा हमारे हार्ट बीट के रेट को। कैसे डिक्रीज करवाएगा, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है उसका स्पीड कम करवाकर। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हमारा व्हाई वी कॉल अवर हार्ट मायोजेनिक, हमारे हम हार्ट को मायोजेनिक क्यों कहते हैं। क्योंकि जो भी नॉर्मल एक्टिविटी होती है हमारे हार्ट की, जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटी है वो हमारा हार्ट खुद ही रेगुलेट कर सकता है। किसके थ्रू, उसके पास जो स्पेशल नोडल टिश्यूज होते हैं उनके थ्रू वो खुद ही अपनी एक्टिविटी रेगुलेट करता है, वो ऑटो रेगुलेटर कहलाते हैं, इसीलिए हम उसे मायोजेनिक कहते हैं। द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ अवर हार्ट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल कॉल्ड नोडल टिश्यूज, नोडल टिश्यूज। ओके, अब देखते हैं इसके अलावा, इन सब के अलावा, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के अलावा एड्रिनल मेडुलरी, ये भी हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। ओके,
अब डबल सर्कुलेशन और रेगुलेशन के बाद हम बात करते हैं कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, जिसमें से सबसे पहले आता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन का नाम देते हैं, नाम से समझ में, हाइपर हाइपर मतलब हाई, टेंशन मतलब प्रेशर, प्रेशर का लेवल हाई होना चाहिए। कौन सा प्रेशर? ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन इज अ टर्म फॉर द ब्लड दैट इज हायर देन नॉर्मल। जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर है, जो हमारे बॉडी को जरूरत है मेंटेन करने की, पूरी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, अगर उससे ज्यादा प्रेशर हो रहा है तो हम उसे हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। हमने पढ़ा था कि कार्डिक साइकिल दो फेजेस में होता है, एक डायस्टोलिक और दूसरा सिस्टोलिक। अब सिस्टोलिक कब होता है? सिस्टोलिक होता है पंपिंग फेज, ठीक है, और डायस्टोलिक कब होता है? रेस्टिंग फेज। अब पंपिंग फेज पे प्रेशर कितना होना चाहिए? 120। और डायस्टोलिक फेज पे कितना प्रेशर होना चाहिए? 80। इसे इसी फॉर्म में लिखा जाता है, हम इसे एक्सचेंज नहीं कर सकते कि डायस्टोलिक ऊपर कर दिए और सिस्टोलिक नीचे कर दिए, नहीं, पहले पंपिंग फेज उसके बाद रेस्टिंग फेज। ओके, अब पंपिंग फेज का प्रेशर होता है 120 mmHg। mmHg स्टैंड फॉर मिलीमीटर ऑफ मर्कुरी प्रेशर। mmHg 120 80। ओके, अब दूसरा आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अब इसे हम नाम से समझ में आ रहा है, हमने अभी पढ़ा था कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में जो आर्टरी है वो कौन सी है? कोरोनरी आर्टरी। और वेन कौन सी है? कोरोनरी साइनस। ओके, अब कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। जो वेसल्स हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड, उसे इफेक्ट करेगी। कैसे इफेक्ट करेगी? इट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक द ल्यूमन ऑफ द आर्टरी नैरो। ओके, जो हमारी जो आर्टरी का जो ल्यूमन होता है, जो ये व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये व्हाइट पोर्शन और भी छोटा हो जाता है। आर्टरी में तो पहले ही वेन्स के मुकाबले पहले ही कम होता है, अब उसके मुकाबले और कम हो जाता है, ये सब डिपोजिशन होने की वजह से, ठीक है, इसे हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज। और इसको अदर नाम क्या है? ऑर्थ्रोसाइक्रोसिस। ओके, अब थर्ड आता है एंजाइना पेट्रोसिस। एंजाइना पेट्रोसिस क्या है? अ सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारे हमारे चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनफ, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है हमारी बॉडी को, वो उसे बराबर नहीं मिल पाता है। हमारे जो हार्ट मसल्स को जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो बराबर ना मिल पा नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो चेस्ट पेन होता है। बट ये जब हम कभी एक्सेसिव काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर ये रेगुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में भी बार बार हो रहा है तो ये सीवियर कंडीशन हो सकती है। अब ये क्या है? वेन वेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीच टू अवर हार्ट मसल। ओके, इट कैन बी अकर इन बोथ मेल और फीमेल ऑफ एनी एजेस। ओके, और बट सबसे ज्यादा इसका असर मिडल एज में देखा जाता है। ओके, अब फोर्थ आता है, फोर्थ इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी। जितना हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना हार्ट हमारा पंपिंग करता ही नहीं है ब्लड को, इसीलिए हार्ट फेलियर का कंडीशन आ जाता है। ओके, इसे समटाइम हम कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लंग्स की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज ऑफ कंजक्शन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिसीज। क्योंकि इसका एक सिम्टम्स लंग्स के थ्रू भी देखा जाता है, इसीलिए हम इसे कॉन्गेस्टिव हार्ट मसल्स फेलियर बोलते हैं। ओके, अब हार्ट फेलियर इज नॉट सिमिलर एज कार्डिक कार्डिक अरेस्ट।
कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक, ये हार्ट फेलियर नहीं है, उसे हम हार्ट फेलियर नहीं बोलते, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? कार्डिक अरेस्ट क्या है? जब हार्ट बीटिंग स्टॉप कर दे, मतलब हार्ट की बीटिंग ना हो, जो हमें साउंड सुनाई पड़ते हैं लब डब, अगर वो ना नहीं हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट स्टेज। ओके, और हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक है व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज बाय एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मतलब किसी भी अचानक से कोई डैमेज हो रहा है उसकी वजह से हमारे ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही हो, उस टाइम पे हार्ट अटैक होते हैं। ये अक्सर उनमें देखा जाता है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। ओके, अब वैसे तो हम नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स किसी भी स्टेज में हो सकता है ये, बट फिर भी ये अबो 40-50 एजेस में ज्यादा देखे जाते हैं। ओके, आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हमने हमने आज क्या क्या पढ़ा, डबल सर्कुलेशन और रेगुलेशन और कुछ डिसऑर्डर। टॉपिक कवर करने के बाद अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, जो भी हमने पढ़ा है अगर हम उसको सही सही इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं तो हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यस, हमने जितना भी पढ़ा है उसे हम अप्लाई कर पा रहे हैं, हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन की यही खासियत है कि अगर क्वेश्चन अगर सही सही सॉल्व होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करवाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाए तो कॉन्फिडेंस लूज भी करवाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन सेज ऑर्थ्रोसैक्रोसिस इज कॉज्ड बाय, हमने अभी पढ़ा ऑर्थ्रोसैक्रोसिस किसका दूसरा नाम है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसका दूसरा नाम है। अब ये किसकी वजह से होता है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू एंड फैट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट वन और पार्ट टू जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उन सबको मिला के ये क्वेश्चन बना है जो मैंने एनसीईआरटी से लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्नोफिल, स्नोफिल्स का क्या फंक्शन है? इट रजिस्ट इन्फेक्शन। ओके, अब आरबीसी, आरबीसी का क्या फंक्शन है? ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, राइट? एबी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप कैसा ब्लड ग्रुप है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। प्लेटलेट का क्या फंक्शन है? कॉगुलेशन, राइट? क्लॉटिंग में काम करवाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लेटलेट्स में होते हैं, राइट? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक का क्या काम है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट। डन। अब एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन सेज नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, रेगुलेशन किसके थ्रू होता है? इट्स राइट आंसर इज ANS, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मजा आया? एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, आज हमने टॉपिक कवर किया है डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन, डिसऑर्डर्स और कुछ क्वेश्चंस। अब इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी लेके आने वाली हूँ, जिससे आपको सॉल्व करने के बाद डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। वो क्वेश्चंस मैंने गूगल, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स, उनसे हमने पूरा कंबाइन करके बनाया है, और मेरे खुद के सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है वहाँ पे। इसलिए अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही, उसके साथ साथ अगर क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व हुए तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा। इसलिए ज़रूर से देखिएगा आगे वाली वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज।